भोपाल में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के दुर्व्यवहार पर पद से इस्तीफा देने वाले डॉक्टर का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और कांग्रेस विधायक की धमकी देने का मामला सामने आया है। ये मामला जबलपुर का है। कांग्रेस विधायक और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कोरोना ड्यूटी में तैनात महिला हेड कांस्टेबल को खरी खोटी सुना दी। इतना ही नहीं, भनोट ने उसे सस्पेंड कराने की धमकी तक दे डाली। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गोराबाजार थाने की हेड कांस्टेबल लक्ष्मी बेन की सोमवार को थाने के पास ही चेकिंग लगी थी। वह चेकिंग कर रही थी, इस दौरान वहां से निकले एक डंपर चालक का बिना मास्क में चालान बनाया। इसके अलावा वहां कई अन्य लोगों के भी बिना मास्क में चालान बनाया गया। इस बीच किसी ने कांग्रेस विधायक और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट से शिकायत की। मौके पर कार से पहुंचे पूर्व वित्त मंत्री भनोट हेड कांस्टेबल लक्ष्मी पर भड़क गए। वायरल हुए वीडियो में पूर्व वित्त मंत्री साफ कहते नजर आ रहे हैं कि मास्क की आड़ में वसूली हो रही है। भनोट ने महिला हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कराने की धमकी भी दी। आप क्यों तोड़ रहे हो? गलती तो हम लोग कर नहीं रहे, जो ड्यूटी है सरकार की वही कर रहे हैं। है जो ड्यूटी है वही कर रहे हैं ना। लीजिए, हम नहीं देंगे। भैया मास्क लगा के निकलो। अरे मुंह बंद कर लो मेरे भाई। काहे के लिए मुंह बंद कर ले, पहले ये बताओ। वो कैसे डांट रहे यार उनको? पकड़ पकड़ करके चालान कर रही है। महिलाओं को आपने खड़ा कर दिया, तीनों का सस्पेंड नहीं होगी ना, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा उठा के। सबसे बदतमीजी कर रहे हैं, मेरे को सबसे पता है, शिकायत कर चुके हैं। छोटे कर्मचारी को डांट रहे, एक महिला पुलिस को डांट रहे, एक महिला को डांट रहे। आप चुप रहिए, आप भी, मैं आपकी आपकी रिपोर्ट डाल दे रहा हूँ। रिपोर्ट डालेगी मेरी, जा रही हूँ ना, एक महिला पुलिस को आप डांट रहे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, जबलपुर।